ओके सर, ये बुक एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 पेज 127 के ऊपर। इसके अंदर उसने एक सिंपल आरएलसी सर्किट दिया हुआ है, और उस आरएलसी सर्किट के अंदर उसने जो गिवन कंडीशंस दी हुई है वो ये दी हुई है कि कैपेसिटर इज इनिशियली अनचार्ज्ड 0- के ऊपर, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने I(0+) की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव और उसके सेकंड डेरिवेटिव की। अगर स्विच इनिशियली ओपन है के, और तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज होगा, ये उसने बता दिया है, और जाहिर है स्विच ओपन है तो I(0- के ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, सो I(0- विल बी जीरो। और इंडक्टर की प्रॉपर्टी ये कहती है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है कि सडन चेंज इन करंट को वो रिजिस्ट करता है, सो एट जस्ट आफ्टर स्विचिंग वो उसको सस्टेन रखेगा, और I(0+) पे भी उसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। तो ये पहली वैल्यू तो हमारी यहीं से निकल आती है। उसके बाद हम इसको एक KVL की इक्वेशन में लिखते हैं, और ये हमारे पास केवीएस की केवीएल की इक्वेशन यही बनती है, VLVR+VC इज इक्वल टू V, और उसको हम फर्दर सिंपल उसकी वैल्यूज़ असाइन कर दें, और इस इक्वेशन नंबर 1 को के अंदर अगर हम T को 0+ के तौर पे सब्सिट्यूट कर दें, क्योंकि ये सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ T है, तो हमारे पास LdI/dt एट 0+ आ जाएगा, I(0 एट 0+ एंड VC, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट, ये वैल्यू हमारे पास बेसिकली कैपेसिटर वोल्टेज को एक्सप्रेस करती है, सो हमने इसको कन्वर्ट करके VC एट 0+ लिख दिया है। अब हर जगह पे हमने चूंकि 0+ सब्सिट्यूट किया था, तो हमें पता है कि 0+ के ऊपर इंडक्टर की वैल्यू जीरो है, तो इधर जीरो आया तो ये सारा फैक्टर जीरो हो गया, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। और कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, ये प्रीवियसली वो बता चुका है, सो कैपेसिटर भी सडन चेंज इन वोल्टेज को रेजिस्ट करता है, तो इसलिए वो उसकी वैल्यू भी जीरो होगी। तो ये इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू सिंपली दिस वैल्यू, वैल्यूज उसने इक्वेशन में दी हुई है बुक के अंदर, तो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0+ की वैल्यू ये आ जाती है। उसके बाद हम ये करते हैं, क्योंकि उसने सेकेंड जो चीज़ पूछी हुई है वो इसके सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0+ है, तो हम इस इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा डिफरेंशिएट डेरीवेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। हम इसके अंदर फिर टी इज इक्वल टू जीरो की वैल्यू पुट करते हैं, और इसकी वैल्यू हम अभी प्रीवियसली निकाल चुके हैं, ये हमने 10 निकाली है। I(0 की वैल्यू हमें पता है कि ये जीरो है, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन ये आ जाएगी, और ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। सो चैप्टर 5 की रेस्ट ऑफ द जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं उसके अंदर आपने बेसिकली इक्वेशंस को इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर की है या सेकेंड ऑर्डर की, उसको लिखना है और उनकी वैल्यूज़ को 0- पे डराइव करना है, और कैपेसिटर इंडक्टर की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए उनको सब्सिट्यूट करके सॉल्व करना है।